और इस दफा शुरू हुए हैं अर्तरल छतरे। ये आ रहा है, ये इधर ना है पाकिस्तान, यही क्यों आ रहे हैं? मैंने नहीं, इधर नहीं, मैं उधर जाऊंगी। हम लोग जा रहे हैं और ये मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं इनके घर। लम्हा न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज और मैं हूँ आपकी होस्ट उफेरा फैज। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मुझे डर भी लग रहा है, मेरे पीछे बहुत सारे छतरे मौजूद हैं। अर्तुरुल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा क्योंकि अर्तुरुल का नाम पाकिस्तानियों के सर चढ़ के बोल रहा है और अर्तुरुल से जो पाकिस्तानियों का प्यार है उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। पाकिस्तान में अर्तुरुल के नाम से पापड़ भी शुरू हुए, अर्तुरुल के नाम से दूध की दुकानें भी शुरू हुई, अर्तुरुल के नाम से तंदूर भी शुरू हुए और इस दफ़ा शुरू हुए हैं अर्तुरुल छतरे। वो छतरे क्या हैं, वो छतरे क्या खाते हैं, वो छतरे क्या पीते हैं, उन छतरों का वज़न कितना है, वो छतरे कितने रुपए किलो में दिए जाते हैं, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे ये जो अर्तुरुल छतरे हैं इनकी आखिर नस्ल कौन सी है। और इनके मालिक का कहना ये है कि ये वो छतरे हैं जो अर्तुरुल सीज़न में एक्टिंग कर चुके हैं। तो आए चलते हैं और मिलते हैं अर्तुरुल छतरों से। जी तो हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज शोएब साहब जो इन अर्तुरुल छतरों के लश्कर के मालिक हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर सबसे पहले तो देखने वालों को ये बताएं, ये जो अर्तुरुल नाम रखा है आपने, ये सोचा कैसे? अर्तुरुल ड्रामा सीरीज़ है, उसमें हमने ये देखा कि जो हमारे पास वैरायटी है वही वैरायटी उसमें नज़र आ रही है। समझ रहे हो ना? तो हमने ये समझा कि अगर ऐसा है तो चूंकि कौम इस नाम से काफ़ी शनासाई हासिल कर चुकी है तो हमने इस एतबार से इसका नाम रखा। तो आपके पास मैं देख रही हूँ यहाँ पे छतरों के अलावा यहाँ पे बकरे भी हैं, उनमें कोई अर्तुरुल बकरा भी है? नहीं, अर्तुरुल बकरा नहीं है। वैसे तो हमारे पास सारी वैरायटी है अर्तुरुल छतरे और आम जो छतरे होते हैं जो अमूमन हमें मंडियों में देखने को मिलते हैं, उनमें फ़र्क क्या होता है? देखें, ये जो हमारे पास अर्तुरुल छतरे हैं ये बड़े ज़बरदस्त माहौल में यानी पलते और बढ़ते हैं, शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं और पहाड़ों के शहजादे हैं। इस नस्ल को कहा क्या जाता है बेसिकली? ये फिलहाल आप इसे अर्तुरुल ही कहेंगे। जंगें लड़ चुके हैं ये छतरे, ये अभी पहली जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह और इसमें शहीद हो जाएंगे। तो मुझे ये बताएं, आपने जो इनका नाम अर्तुरुल छतरे रखा तो कोई सर्टिफिकेट है आपके पास कि हाँ जी ये वही है और जिन्होंने एक्टिंग की है? सर्टिफिकेट इंदराज करवाया आपने? और सर्टिफिकेट इंशाल्लाह जब लोग इनका गोश्त खाएंगे और इनका जायका अल्लाह के फजल करम से वही सर्टिफिकेट होगा। आपको भी मैं दावत देता हूँ, इस दफ़ा आप अपने घर में अर्तुरुल की कुर्बानी करें तो इंशाल्लाह अर्तुरुल छतरे की कुर्बानी मैं सोच सकती हूँ अगर आप मुझे मुफ्त दे देंगे तो। समझ रहे हो ना? चलें वो अगर आप बेहतर समझती हैं तो आप मुफ्त ले लें, कोई ऐसा मुश्किल। जी तो आप इस टाइम देख रहे हैं मैं आगे आगे चल रही हूँ और मेरे पीछे पूरी मंडी चल रही है। इस टाइम बड़ा अमीर अपने आप को मैं फील कर रही हूँ, लेकिन बेसिकली हम लोग जा रहे हैं और ये मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं इनके घर। तो आए इनके घर चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या खाते हैं। अच्छा, ये अर्तुरुल छतरा है जिससे हम बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नो लिफ्ट, पाकिस्तानियों को कोई लिफ्ट नहीं कराते। डर गया, भाग गया, उसको मेरी आवाज ही नहीं पसंद है। वो कह रहा भाई आप हम में से नहीं है, लेकिन हम इसके पीछे पीछे रहेंगे। अच्छा ये देखें, इसके दुम देखें, छतरा है विद दुम। खाना पीना चल रहा है इनका इस टाइम, आप देख रहे हैं इस टाइम ये बड़ा खुश हैं और खा पी रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता कुछ दिन बाद ये इसी तरह मुंह हम लोग सुनाएंगे ऐसे।
आज इनका दिन है, फिर हमारा दिन आएगा। जी तो हाफिज साहब, अब इस टाइम हम अंदर आ चुके हैं। अब हाफिज साहब मुझे ये बताइएगा कि आप इनको क्या चीज़ खिलाते हैं और पिलाते हैं जिसकी वजह से माशाल्लाह ये बड़े सेहतमंद। इनके लिए चारे का बंदोबस्त है, इनको बेसन वाला पानी पिलाया जाता है, शक्कर वाला पानी पिलाया जाता है, इसी तरह गंदम वगैरह खिलाई जाती है भगो के पानी में, तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो खिलाते हैं। जी ये बताइएगा कि आपके पास जो छतरे हैं, जो वेट है इनका, वो कितना होगा? देखिए हमारे पास जो अर्तुगरुल छतरे हैं, इनका वेट जो हमारे पास वैरायटी है ये तकरीबन 50 केजी से 80 केजी तक जो है इनका वेट है। चले जी, अब यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इन शाहकार जानवरों को देखने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए कहाँ से आए हैं। तो आइए उनके पास चलते हैं। ये देखिए आप मेरे सामने। जी तो यहाँ पर कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? आप अर्तुगरुल छतरे खरीदने आए हैं? ये हमने फेसबुक पे पोस्ट देखी थी इसकी और हमारे दोस्त थे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा चले इसको चेक कर लेते हैं कि क्या है, तो बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ा इसको, फिर कॉल की और बड़ी मुश्किल से आए। छतरों से मोहब्बत है या अर्तुगरुल से मोहब्बत है जो आपको यहाँ पे खींच लाई है? देखिए जी, वो बड़ा एक फेमस नाम है, उससे मोहब्बत तो अब तमाम इस्लामिक वर्ल्ड में हो गई है, लेकिन उसके नाम से ये एक अच्छा उन्होंने जो है ना वो शाइनिंग वर्ड यूज़ किया इसके लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए लम्हा न्यूज़।